हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि 24 फरवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि उनके इस ट्रिप का क्या मतलब है, आज के दौर में इंडिया यूएस रिलेशनशिप कहाँ पर स्टैंड करता है और इस ट्रिप से इंडिया को क्या मिलेगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैक बेंचर्स गुरु। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 24 फरवरी 2020 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप और सन इन लॉ जेरेड कुशनर इंडिया आने वाले हैं, और उनके साथ कुछ और लोग होंगे, उनके डेलीगेशन डिप्लोमेट्स। ये 24 फरवरी को एक बड़ा इवेंट होने वाला है, सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जिसको बोला जाता है गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 है। अभी ऑफिशियली इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ही इसका उद्घाटन करें। ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, और जो एयरपोर्ट से स्टेडियम तक के रास्ते में एक बहुत बड़ा पोजीशन निकलने वाला है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। काफ़ी सिंगिंग होगा, डांस होगा, काफ़ी लोग उनके साथ चलेंगे। तो बताया जा रहा है कि 50-60 हज़ार लोग उस पोजीशन में हिस्सा लेंगे। आप देख रहे होंगे गुजरात का ये सीन, हर दीवार को रंग दिया जा रहा है, हर वहाँ पर हर जगह साफ़ सफाई की जा रही है, और इस इवेंट को लेकर काफ़ी लोग एक्साइटेड है, गुजरात में ही नहीं इंडिया में। और इनका ताजमहल जाने का भी प्रोग्राम है, और लास्ट लेग में ये दिल्ली में रुकने वाले हैं। इनकी वाइफ मेलेनिया हैप्पीनेस क्लास का जायज़ा लेंगी दिल्ली में, और ये यूएस प्रेसिडेंट का बयान आया है कि ही मीन्स बिजनेस। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि इंडिया यूएस का रिलेशनशिप हिस्टोरिकल कैसा रहा है। हम लोग प्री कोल्ड वॉर एरा में उतने क्लोज नहीं होते थे, हम लोग यूएसएसआर के क्लोज थे, और ऑफिशियल हमारी नॉन अलाइनमेंट नैम फॉलो करते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो हमारी इंक्लिनेशन यूएसएसआर के तरफ थी 1990s से पहले। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यूएस के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते थे, हमारा यूएस के साथ रिलेशन था। तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया यूएस का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसा रहा है। इस वीडियो में मैं करेंट सिचुएशन को डिस्कस करूँगा, आज के इस दौर में इंडिया यूएस रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करता है। ट्रंप का विजिट इतना क्रूशल क्यों है? ट्रंप का विजिट इतना क्रूशल इसलिए है कि ट्रंप 2020 में यूएस में इलेक्शन ईयर है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, और ट्रंप की ऑफिशियल पॉलिसी रही है मागा। मागा क्या है? ट्रंप की ऑफिशियल पॉलिसी मागा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका स्लोगनरिंग रहा है। ट्रंप का ऑफिशियल स्लोगनरिंग रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे ट्रंप चलते हैं। तो ये दोनों पॉलिसी को हम लोग समझेंगे। ट्रंप का विजिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया और यूएस में एक ट्रेड डील ड्यू है। बहुत दिन से इसकी चर्चा हो रही है कि एक ट्रेड डील होने वाला है, क्योंकि यूएस को ऐसा लगता है कि इंडिया अब काफ़ी डेवलप हो चुका है, अब पहले जैसा नहीं रहा। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को, दुनिया में यूएस ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब हम लोग सामान यूएस को ज़्यादा बेचते हैं और यूएस से कम लेते हैं। तो करीब ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट $16 बिलियन के आसपास है। तो यूएस को ये ट्रेड डेफिसिट कम करना है, तो यूएस भी चाहता है कि इंडिया अपना मार्केट खोले उनके गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो ट्रंप इंडिया को टैरिफ किंग भी बता चुके हैं, क्योंकि उनको एक बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, इंडिया पहले 100% टैक्स लगाता था, फिर जब टैरिफ किंग बोला, यूएस प्रेसिडेंट से प्रेशर आया, तो इंडिया ने उसको आज 50% कर दिया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी खुश नहीं है, उनको लगता है कि इंडिया अननेसेसरी ट्रैफिक लगाता है यूएस गुड्स एंड सर्विसेज पे। यूएस इंडिया को अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट खोलने को फोर्स करता है। यूएस बोलता है कि आप हमारे जो यूएस में किसान उगा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में अपना मार्केट खोलिए, बट इंडिया को अपना मार्केट प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया अपना मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट खोलना नहीं चाहता। और डेयरी मार्केट आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है, और इंडिया का डेयरी मार्केट बहुत ही लो मार्जिन पे काम करता है। तो अगर यूएस प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगेगा, तो इंडिया के अपने डोमेस्टिक डेयरी मार्केट को खतरा होने लगेगा। तो इसलिए आपको पता है कि इंडिया आरसीईपी से ऑप्ट आउट कर लिया था, इंडिया ने, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एशियान प्लस मेंबर्स के साथ होने वाला था,
उससे बाहर कर लिया था इसी दो रीज़न की वजह से कि एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को बचाने के लिए। तो यूएस भी चाहता है कि हम उनके लिए अपना डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट खोलें, लेकिन इंडिया मना करता है कि हम नहीं खोलना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो ट्रंप आ रहे हैं वो बार बार अभी आज कल 2 दिन पहले बयान देते रहे हैं कि इंडिया को अपना टैरिफ कम करना ही होगा। और ट्रंप को सारे लोग दुनिया में डीलर के नाम से जाना जाता है, वो डील बहुत अच्छा करते हैं, वो हार्ड बार्गेन करते हैं किसी भी दूसरे देश के साथ। तो इंडिया, देखते हैं, ऐसी खबरें आ रही है कि इंडिया अपना कुछ पोर्शन डेयरी और एग्रीकल्चर का खोले यूएस के लिए। तो ये रही इकोनॉमिक और ट्रेड डील की बात, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस विजिट पे कोई ट्रेड डील होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि एक परमानेंट डील हो और इंडिया भी अपने ऑप्शंस तलाश रहा है कि कैसे यूएस को मनाया जाए कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। तो आपने रिसेंट सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ के बिजनेसमैन का एक ग्रुप है और ऑफिशियल ग्रुप है, तो उन्होंने इंडिया को जीएसपी से हटा दिया है। जीएसपी क्या है? जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, जिसमें डब्ल्यूटीओ के तहत डेवलपिंग कंट्रीज़ को बूस्ट करने, अपना अपना इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब इंडिया जो जो डेवलपिंग नेशंस है दुनिया में, उनको जीएसपी के तरफ जीरो टैरिफ पे, मतलब जब इंडिया अपना सामान वहाँ बेचता है तो उन पर टैक्स नहीं लगता है। $6 बिलियन के इतने अमाउंट के सामान पर टैक्स यूएस में नहीं लगता है, लेकिन इस सिस्टम से इंडिया को हटा दिया गया है। तो अब क्या होगा, अब इंडिया अगर अपना सामान बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, तो वो प्राइसिंग बढ़ जाएगी, तो यूएस में कोई ज़्यादा लेगा नहीं। तो ये इंडिया का चैलेंज है इस विजिट पे कि कैसे यूएस को मनाया जाए कि हमें जीएसपी में नई डील दी जाए या प्रीवियसली जो जीएसपी था उसमें रखा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज होगा। दूसरा, यूएस का ये भी कंसर्न रहा है कि वहाँ के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं होती इंडिया में। इंडिया में आप जानते हैं पायरेसी एक बहुत बड़ा इशू है, कोई भी चीज़ आती है उसका पायरेटेड वर्जन आ जाता है। तो ये यूएस का कंसर्न रहा है कि उनकी जो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट करके अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाती है, उसकी पायरेटेड कॉपी इंडिया में आसानी से मिल जाती है, तो उनसे उनको नुकसान होता है। तो ये भी इस बार के डिस्कशन में आ सकता है। तो ये रही इकोनॉमिक और ट्रेड डील की बात। पहला था एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो यूएस इंडिया में बेचना चाहता है उसके लिए इंडिया को मानना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया यूएस को बोलेगा कि आप मेरे को जीएसपी ट्रीटमेंट दो। तीसरा, कि आईपीआर कैसे प्रोटेक्ट हो, ये यूएस इंडिया को बताएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बड़ा इशू, H1B वीज़ा। H1B वीज़ा का मामला बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इंडियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वर्क परमिट, ये वर्क वीज़ा है जो कि इंडियंस खास करके आईटी जायंट्स, आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय यूज़ करते हैं यूएस में काम करने के लिए। लेकिन जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया था, उनका इलेक्शन में भी ये प्रॉमिस रहा था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत वहाँ के कंपनीज़ को, अमेरिकन्स को एम्प्लॉय ज़्यादा करना होगा, मतलब अमेरिकन्स को जॉब ज़्यादा देने होंगे। आपको पता है इंडियंस जाके वहाँ जॉब लेते हैं और लेते रहे हैं। तो ये H1B वीज़ा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस हो सकता है इस मीटिंग में। मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में ये भी डिस्कस होगा कि H1B वीज़ा इंडियंस के लिए कैसे जो स्ट्रिक्ट होने वाला सही किया जाए, मतलब इंडियंस को H1B वीज़ा कैसे आसानी से मिल पाए या फिर उसकी पॉलिसी कैसे थोड़ी कम स्ट्रिक्ट रखी जाए। तो ये दो मुद्दा बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला है।